पुष्पा मूवी के बिहाइंड द सीन वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया, तो मेरे तरफ से कमी कैसे रहती। इस वीडियो में मैं आपके लिए पुष्पा मूवी से जुड़ी कुछ अननोन फैक्ट्स लेकर आया हूं, जिनमें कुछ तो आपके होश भी उड़ा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 20 बंदे थे भाऊ, अमर तेजा, छेलापति, चिनम्मा। ए रुक, क्या बात करता है, इन सबके घर पे जाना पड़ेगा, पागल है क्या? स्टाइलिश सुपरस्टार अल्लू अर्जुन सर को इस तरह से पुष्पा राज बनने में पूरे 2 घंटे का टाइम लगता था। इस दौरान उनके बालों से लेकर फुल बॉडी मेकअप की जाती थी। प्रत्येक दिन शूटिंग से पहले उन्हें पूरे 2 घंटे तक एक चेयर पर इस तरह बैठे रहना पड़ता था। बालों को घुंघरेला बनाने के लिए मोटे लेयर में वैक्स करने पड़ते थे, और यहाँ पर आप जो देख रहे हो उनके हाथ और उंगलियों पर भी मेकअप किए जा रहे हैं। भले ही आपको मूवी में उनका यह ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मल लगा हो, बट इसके पीछे की मेहनत बहुत थी जो आप ऑन स्क्रीन अभी देख रहे हो। मैं आपको बता दूं कि अल्लू अर्जुन जिससे वैनिटी वैन में बैठे हुए हैं अभी, उसका नाम फॉल्कन है, वह उनकी ही वैनिटी वैन है। यह शाहरुख खान की वैनिटी वैन से भी महंगी है, एंड इसकी जो प्राइस है वो 3.5 करोड़ रुपए है। अल्लू अर्जुन की जो यह वैनिटी वैन है, यह फॉल्कन या बुलेट प्रूफ है। इसमें जरूरत की सारी लग्जरी सुविधाएं मौजूद है, या यूं कह लीजिए यह एक चलता फिरता 5-स्टार होटल है। पुष्पा मूवी के दूसरे इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो वह यह है कि महेश बाबू द्वारा फिल्म का ऑफर ठुकराना। ऐसा कहा जाता है कि पुष्पा के सुपरहिट होने से महेश बाबू का सिंहासन हिल गया है, जबकि अल्लू अर्जुन पैन इंडिया पर नंबर 1 सुपरस्टार बन गए हैं। वैसे तो फिल्म मेकर के पहले चॉइस अल्लू अर्जुन नहीं थे, इस फिल्म को ठुकराने वालों में सबसे पहला नाम महेश बाबू का ही है। बताया जाता है कि डायरेक्टर सुकुमार को यह फिल्म महेश बाबू से करवानी थी, एंड उन्होंने महेश बाबू को ही इस फिल्म के लिए पहले ऑफर भी किया था। लेकिन यह भी कहा जाता है कि महेश बाबू इस फिल्म के ग्रे शेड्स वाले रोल के लिए तैयार नहीं थे, और इसलिए उन्होंने इसे करने से इनकार कर दिया। हाँ, यह बात तो है कि फिल्म में सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का कैरेक्टर दूध का धुला तो नहीं है, आखिरकार उनका बिजनेस है तो स्मगलिंग का, इसलिए महेश बाबू अपनी फैन फॉलोइंग में निगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालना चाहते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक महेश बाबू वैसे रोल से खुद को दूर रखना पसंद करते हैं जिनमें जबरदस्त मेकओवर हो, क्योंकि उनके फैंस एक्टर के गुड लुकिंग को लेकर हमेशा क्रेजी रहते हैं। दरअसल साल 2003 में महेश बाबू ने निजाम नामक एक फिल्म में अपने ऑन स्क्रीन लुक के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और कहा जाता है कि तब से वो अपने लुक्स के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होते हैं। फैक्ट नंबर 3 यह है कि रश्मिका मंदाना की जगह समंता रूत को सुकुमार इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर लेना चाहते थे। जी हाँ, यूं तो समंता रूत प्रभु फिल्म पुष्पा में अपने आइटम सॉन्ग ओ अंटावा को लेकर खूब सुर्खियों में हैं, लेकिन पहले उन्हें ही इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस यानी रश्मिका मंदाना का किरदार श्रीवल्ली ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। हालांकि कहा जा रहा है कि ऐसा उन्होंने किसी पर्सनल वजह से किया था, एंड अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं कि हाल ही में उन्होंने अपने पति नागा चैतन्य से तलाक ली है, जो एक और बड़ी वजह हो सकती है। ओ अंटावा सॉन्ग YouTube म्यूजिक के ट्रेंड्स पर 2 नंबर पर है। सॉन्ग स्टेप्स YouTube शॉर्ट्स और रील्स पर भी ट्रेंड कर रहे हैं, एंड इस सॉन्ग्स को गणेश आचार्य जी का कोरियोग्राफी है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस गाने पर परफॉर्म करने के लिए दिशा पाटानी और नोरा फतेही को भी ऑफर मिला था, लेकिन फाइनली समंता रूत ने इसे परफेक्टली किया। फैक्ट नंबर 4 में मैं आपको बता दूं कि फिल्म की स्टोरी जो है वो आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में होने वाली लाल चंदन की तस्करी पर आधारित है, जो सब जानते हैं। एंड पुष्पा के निर्माता वाई रविशंकर ने इंटरव्यू में बताया था कि पुष्पा की स्टोरी बहुत लंबी है और 2.5 घंटे में इसे पूरा सुनाना मुश्किल है, इसीलिए तो इस मूवी को 2 पार्ट में तैयार किया गया है, एंड पुष्पा के दूसरे पार्ट पर तैयारियां शुरू हो चुकी है, एंड मूवी का 10%
हिस्सा कंप्लीट भी हो चुका है। जानकर हैरानी होगी कि पुष्पा मूवी की 80% शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म मेकर्स ने इसे दूसरे पार्ट में बनाने का डिसीजन लिया था। पुष्पा की ज्यादातर शूटिंग आंध्र प्रदेश के मारेदुमिली जंगल में की गई है। ऐसे में फिल्म की पूरी टीम को जंगल ले जाया जाता था। मेकर्स टीम को जंगल ले जाने के लिए रोजाना 300 गाड़ियां इस्तेमाल करते थे। पहले सीन में चंदन के बड़े बड़े गट्ठर दिखाए जाते हैं और ज्यादा भीड़ की जरूरत होती है। इस एक दृश्य को शूट करने के लिए 1500 लोगों को इकट्ठा किया गया था। पुष्पा फिल्म के लिए रोजाना 500 लोगों की जरूरत होती थी। एक गाने में तो 1000 लोगों को लेना पड़ा था। इस वजह से तो केवल एक पार्ट का बजट 200 करोड़ पहुंच गया। फैक्ट नंबर 5 अनबिलीवेबल है। आपको यकीन नहीं होगा कि फिल्म शूटिंग के दौरान सच में पुलिस वालों ने चंदन की ट्रक पकड़ ली थी। पुष्पा फिल्म कुछ दिनों के लिए केरल के जंगलों में भी शूट हुई है। जब टीम वहां से लौट रही थी तो पुलिस ने उन्हें सच में रोक लिया था। टीम ने समझाया कि वह शूटिंग के लिए आर्टिफिशियल लॉक्स यूज करते हैं जो असल में फॉर्म के बने हैं और वह लाल चंदन की लकड़ी की तरह दिखते हैं, एंड बाद में उन्हें छोड़ भी दिया गया। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6 यह है कि जंगल में कोंडा रेड्डी के सेफ हाउस को दिखाया गया है। दरअसल इस सेफ हाउस तक पहुंचने के लिए वास्तव में फिल्म मेकर्स को प्राइवेट कच्ची सड़कें बनानी पड़ी थी। मूवी को रियलिस्टिक दिखाने के लिए मेकर्स ने काफी खर्च की है। मूवी को रियलिस्टिक टच देने के लिए अच्छी सिनेमेटोग्राफी होनी जरूरी थी, इसलिए फिल्ममेकर्स ने सिनेमेटोग्राफर मिरोस्ला कुबा ब्रोजेक को हायर किया था जो पोलैंड के हैं। उन्होंने हॉलीवुड फिल्मों के लिए भी काम किया है। अब बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 7 पर, जो इस वीडियो का आखिरी पड़ाव है। अल्लू अर्जुन को पुष्पा पार्ट 1 के लिए 35 करोड़ मिले थे। उनकी अगली फिल्म में उनकी फीस 3 गुना बढ़ा दी गई है। यानी डायरेक्टर एटली कुमार के साथ उनकी अगली फिल्म आ रही है जो पुष्पा पार्ट 2 के बाद रिलीज होगी। एटली कुमार के साथ अल्लू अर्जुन ने 100 करोड़ रुपए में डील साइन करी है। दैट्स अमेजिंग। क्या आप पुष्पा 2 मूवी के बारे में जानना चाहते हो? यदि आपका जवाब हाँ है तो हमें सब्सक्राइब करके माय ट्रेंड्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और अगर आपने पुष्पा मूवी का बिहाइंड द सीन नहीं देखा है तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लें और राइट साइड में KGF के बिहाइंड द सीन आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।